सभी को। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा, अगर आप होस्ट है, मतलब जिसने मीटिंग क्रिएट की है, आपके पास क्या क्या फीचर्स है। अब मैं मीटिंग में ऑलरेडी हूँ, तो मैं स्क्रीन पे टैप करूंगा और ये पार्टिसिपेंट्स का ऑप्शन दबाऊंगा। अब देखिए, इसमें दिखा रहा है कि इधर 5 पार्टिसिपेंट है और होस्ट मी, मतलब होस्ट मैं हूँ। अब इसमें दिख रहा है कि किसकी कैमरा या माइक ऑन या ऑफ है। तो अब देखिए, मैं किसी भी पार्टिसिपेंट पे क्लिक करूंगा तो ये सारे फीचर्स हमें दिखाई देते हैं। ये सिर्फ आएंगे जब आप होस्ट हो। आज टू अनम्यूट है पहला फीचर, तो अब ये पार्टिसिपेंट म्यूट पे था और जब मैं इसे दबाऊंगा तो पार्टिसिपेंट को मैसेज जाएगा बोलते हुए कि होस्ट इज आस्किंग टू अनम्यूट। तो जैसे ही मैंने उनको भेजा, उनको ये आया। अब अगर उनको अनम्यूट करना है तो वो अनम्यूट नाउ दबाएंगे, अगर म्यूट रहना है तो स्टे म्यूटेड दबाएंगे। नेक्स्ट ऑप्शन है चैट का, तो अब मुझे उनको मैसेज भेजना है तो मैं इधर दबाऊंगा, जो भी मुझे भेजना है टाइप करके सेंड दबाऊंगा। ये सिर्फ उनको प्राइवेटली जाएगा। अगर आपको सेम मैसेज सबको भेजना है तो आप उनके नाम पे दबाओगे और एवरीवन दबा। स्पॉटलाइट वीडियो का मतलब है जब आप इसको दबाएंगे तो सबको इनका वीडियो उनकी पे दिखेगा। नेक्स्ट ऑप्शन है मेक होस्ट का ऑप्शन। तो अब अगर मुझे इस पार्टिसिपेंट को होस्ट मेक करना है तो जब मैं इसको दबाऊंगा और फिर इधर आया डू यू वांट टू चेंज पार्टिसिपेंट टू होस्ट, आप यस दबाओगे और फिर वो पार्टिसिपेंट होस्ट बन गया। अगर उनका वीडियो बंद है तो आप ये आज टू स्टार्ट वीडियो का बटन दबा के उनको मैसेज भेज सकते हैं कि आप प्लीज आपका वीडियो स्टार्ट करिए। रीनेम का मतलब है आपके इस पार्टिसिपेंट का नाम जो चेंज करना है आप चेंज कर सकते हैं और ओके दबा सकते हैं, पार्टिसिपेंट का नाम चेंज हो जाएगा। देखिए सबके स्क्रीन पे यह नाम चेंज हो गया। अगर आपको कोई ऐसी बात करनी है जो आप एक पार्टिसिपेंट के साथ शेयर करना नहीं चाहते, तो आप पुट इन वेटिंग रूम का ऑप्शन से उस पार्टिसिपेंट को थोड़ी देर के लिए वेट करा सकते हैं। अगर आपको किसी पार्टिसिपेंट को मीटिंग के बाहर निकालना हो तो आप उनको ये रिमूव बटन दबा के ओके दबाएंगे तो वो रिमूव हो गए हैं।